हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटीज के बारे में। जितने भी आईआईटीज न्यूज़ में उन सब के बारे में हम बात करेंगे, जनवरी से लेकर नवंबर तक की। दोस्तों, ये मैं बात करूँ 10 नवंबर तक की, ठीक है। जनवरी से लेकर 10 नवंबर तक जितने भी आपके आईआईटीज न्यूज़ में हैं, चाहे उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप किया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई नई चीज़ डेवलप किया, जो जो भी न्यूज़ में रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग पता है, एग्ज़ाम में आईआईटी से आजकल एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये द रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RBCDSAI वॉज इनोग्रेटेड एट द IIT मद्रास। ये RBCDSAI है, ये इसको IIT मद्रास में इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है, IIT मद्रास कोलेबरेट करेगा तीर्था के साथ। IIT मद्रास कोलेबरेट करेगा तीर्था के साथ। ये जो तीर्था है दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्यों कोलेबरेट करेगा? टू डेवलप ए डिवाइस डैट कैन जनरेट पोर्टेबल वाटर टू एयर, ताकि ये वाटर से एयर जनरेट कर सके, पोर्टेबल वाटर टू एयर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीर्था एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IIT मद्रास हैज़ पार्टनर विद द ESPN क्रिक इन्फो। IIT मद्रास हैज़ पार्टनर विद द ESPN क्रिक इन्फो टू लॉन्च सुपर स्टेट्स। क्यों पार्टनरशिप करेगा? टू लॉन्च सुपर स्टेट, STATES, टू लॉन्च सुपर स्टेट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास वो है, IIT मद्रास हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट टोल्यून इनटू बेंजोइक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। IIT मद्रास हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट टोल्यून इनटू बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IIT मद्रास ने एस्टैब्लिश किया इंडिया का पहला कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, IIT मद्रास ने इंडिया की पहली कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब एस्टैब्लिश की है। आपसे स्मार्ट लैब का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है वो है सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिटिव रिसर्च टेक्नोलॉजीज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिटिव रिसर्च टेक्नोलॉजीज। IIT मद्रास ने स्मार्ट लैब एस्टेब्लिश की है, इंडिया की पहली ये कोल्ड स्प्रे लैब है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक भारतीय स्क्रिप्ट। IIT मद्रास के रिसर्चर ने डेवलप किया एक भारतीय स्क्रिप्ट। ये एक मल्टी लैंग्वेज ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कीम यूज़ करेगी, ठीक है, ये एक OCR, सीधी सी बात है, OCR स्कीम का ये यूज़ करेगी। OCR स्कीम क्या होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IIT मद्रास ने एक क्रिएट किया है फिंगर स्पेलिंग मेथड। IIT मद्रास ने एक फिंगर स्पेलिंग मेथड क्रिएट किया। अब बात कर लेते हैं ये फिंगर स्पेलिंग मेथड क्या है। तो दोस्तों, जो फिंगर स्पेलिंग मेथड है, डैट कैन बी यूज टू जनरेट साइन लैंग्वेज। जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं ना, जिनको सुनाई नहीं देता, हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए साइन लैंग्वेज क्रिएट करेगा ये फिंगर स्पेलिंग मेथड, ठीक है, ये एक टाइप का साइन लैंग्वेज है। अगला जो हमारे पास है, IIT मद्रास ने डेवलप किया पोर्टेबल सोलर पावर कोल्ड स्टोरेज डिवाइस। ऊपर बात हुई थी स्मार्ट लैब डेवलप किया, अब यहाँ पे IIT मद्रास ने डेवलप किया पोर्टेबल एक सोलर पावर कोल्ड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, याद रखना है। अगर इस डिवाइस की कैपेसिटी पूछ ले तो आपको याद रखना है, ये 500 kg कैपेसिटी है, ठीक है, 500 kg कैपेसिटी ऑफ द पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये एक्चुअली फार्मर को हेल्प करेगा, ताकि वो इसमें अपना सामान काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टेबल है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाया जा सकता है। क्या क्या रख सकता है इसमें? कोई भी सामान लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। कैपेसिटी मैंने बता दिया इसकी 500 kg है, इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IIT मद्रास ने डेवलप किया एग्री स्मार्ट एग्रीकॉप्टर, ठीक है, IIT मद्रास ने स्मार्ट एग्रीकॉप्टर डेवलप किया। इसका पर्पज़ क्या है? इसका जो पर्पज़ है, टू एलिमिनेट मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स में हमारे खेत में जो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं ना, तो वो इससे अब छिड़क सकेंगे, स्मार्ट एग्रीकॉप्टर से इससे छिड़क सकेंगे, ठीक है। इससे एक्चुअली लोगों की हेल्थ वगैरह नहीं ख़राब होगी, तो मेन मोटिव इसलिए था। तो स्मार्ट एग्रीकॉप्टर से एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, वो इसके थ्रू अब छिड़क सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IIT मद्रास ने पार्टनरशिप विद किया NIOT टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशन वेव्स। अब बात आती है NIOT की फुल फॉर्म क्या है,
इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी मद्रास ने एनआईओटी के साथ पार्टनरशिप किया है टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशन वेव्स। दोनों इंस्टीट्यूट मिलके टर्बाइन बनाएंगे, ठीक है, आईआईटी मद्रास और एनआईओटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी दोनों मिलके टर्बाइंस बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आईआईटी मद्रास ने इंट्रोड्यूस किया वाटर चक्र टू रिसाइकल यूरिन। आईआईटी मद्रास ने क्या इंट्रोड्यूस किया? वाटर चक्र टू रिसाइकल यूरिन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है, आईआईटी मद्रास की जो रिसर्चर है उन्होंने लॉन्च किया इंडस्ट्रियल एंड फील्ड रोबोट, उसका नाम है ग्रेस्प मैम। ग्रेस्प मैन नाम है एक रोबोट का जो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने लॉन्च किया है। क्या नाम है रोबोट का? ग्रेस्प मैम, याद रखना, ठीक है। ये एक मल्टी मॉडल रोबोट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक मल्टी मॉडल रोबोट है, ठीक है। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने डेवलप किया ग्रेप्स मैन, जो कि एक मल्टी मॉडल रोबोट है, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल और फील्ड रोबोट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आईआईटी मद्रास ने कोलेबरेट किया एक्जोन मोइल के साथ। आईआईटी मद्रास ने एक्जोन मोइल के साथ कोलेबरेट किया फॉर रिसर्च इन एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, ताकि एनर्जी और बायोफ्यूल्स में रिसर्च कर सके। किससे कोलेबरेट किया? एक्जोन मोइल के साथ। ये जो दोस्तों एग्जाम बॉयल है, ये आपकी यूएसए की कंपनी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है। और जो इन्होंने कोलेबरेट किया कितने साल के लिए किया? तो 5 ईयर के लिए, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आईआईटी मद्रास ने 5 साल के लिए एग्जोन मोबिल कंपनी के साथ कोलेबरेट किया, जो कि एक हमारी अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। किस लिए किया? फॉर रिसर्च इन एनर्जी और बायोफ्यूल्स, ताकि एनर्जी और बायोफ्यूल में रिसर्च कर सके। तो आईआईटी मद्रास का हमारा पोर्शन ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की, आईआईटी बॉम्बे से क्या रिलेटेड है। आईआईटी बॉम्बे से ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, टोटल 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, आईआईटी बॉम्बे हैव डेवलप्ड ए माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड अजीत। आईआईटी बॉम्बे ने एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? अजीत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आईआईटी बॉम्बे ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, माइक्रो प्रोसेसर का नाम है AJIT अजीत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो भी ऑयल कंपनी है उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ साइन किया है टू सेटअप सेंटर फॉर एक्सीलेंस। एक्चुअली मैं बताता हूँ, टोटल दोस्तों 7 ऑयल कंपनी है, इन 7 ऑयल कंपनी ने आईआईटी बॉम्बे के साथ साइन किया है। क्यों साइन किया? ताकि वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना सके। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 7 ऑयल की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ साइन किया है, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर सके, बना सके। अगला जो हमारे पास है, आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एडवांस पर्सनल रोबोट मीको 2। बच्चों के लिए इंडिया का पहला, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स थे इन्होंने मीको 2 रोबोट बनाया है, ये बच्चों के लिए है, इंडिया का पहला एडवांस पर्सनल रोबोट बच्चों के लिए बनाया है। क्या नाम है इसका? मीको 2, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आईआईटी बॉम्बे के जिन ग्रेजुएट्स ने ये डेवलप किया है रोबोट जिसका नाम है मीको 2, इनकी एक खुद की कंपनी है, एक्चुअली इनका एक खुद का स्टार्टअप है, वो भी आपको याद रखना है। तो इनके स्टार्टअप का, इनकी कंपनी का नाम है इमोटिक्स, EMOTIX, इमोटिक्स, याद रखना, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स का खुद का स्टार्टअप है, नाम है इमोटिक्स। इन्होंने एक बच्चों के लिए रोबोट बनाया है मीको 2, जो कि पर्सनल रोबोट है, इंडिया का पहला फॉर किड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट न्यूज़ है हमारी आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड, यहाँ पे दिया हुआ, आईआईटी बॉम्बे हैज़ टॉप्ड द QR रैंकिंग, QR यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। आईआईटी बॉम्बे ने QR रैंकिंग में टॉप किया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया तो सेकंड नंबर पे कौन रहा, वो भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। तो सेकंड नंबर पे रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर आपका सेकंड नंबर पे रहा था, ये भी याद रखना। QR रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है और सेकंड नंबर पे रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। तो यही थे दोस्तों आपके आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम दो ही डिस्कस करेंगे, एक आईआईटी मद्रास और एक आईआईटी बॉम्बे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इसका
ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। धीरे धीरे करके जितने भी IITs बचे हुए हैं वो सारे हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।